ऐसे ऐसे इस तरीके से बैर लगा दिया ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। तो यहाँ पर भी आप देखिए क्या वही कंडीशन यहाँ पर भी था, ये जो पुल टूटा इसमें भी वायर लगाया हुआ था ताकि। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भागलपुर का जो ये ब्रिज था अगुवनी पुल आखिर कैसे गिर गया था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद आखिर कैसे गिर गया। गाइस इस वीडियो को मैं बहुत ही लेट से बता रहा हूँ लेकिन बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था तो मैं वीडियो को नहीं बना पाया। तो समझिए कि आखिर ये पुल कैसे गिरा। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर पुल की संरचना कैसी होती है, उसकी बनावट कैसे होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर की मदद से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कुछ हिस्सा इसका ज़मीन के अंदर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कुछ हिस्सा इसका क्या है ज़मीन के अंदर है, भले ये पानी के अंदर या फिर ये कहें कि ज़मीन के अंदर, और कुछ हिस्सा क्या होता है ज़मीन के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसे चार लेयर में बनाया जाता है। सबसे पहले आप देखिएगा ये है पानी और पानी के ऊपर थोड़ा बहुत ज़मीन होगा, तो आप समझिएगा पानी में जो होता है इस तरीके से या फिर थोड़ा बहुत ज़मीन में भी दिखता है, जैसे कि पानी है और नीचे ज़मीन में भी होगा, तो इसे हम लोग पाइल बोलते हैं। और पाइल से जस्ट ऊपर होता है पाइल कैप, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको एक चरकोर टाइप पर, ये चरकोर टाइप पर जो आपको ये दिख रहा होगा चरकोर टाइप पे, इसे हम लोग पाइल कैप बोलते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पाइल बोलेंगे, और ये जो आपको ये दिख रहा है इसे हम लोग बोलेंगे पाइल कैप। उसके बाद आप देखिएगा इसे हम लोग पियर बोलते हैं, जो कि पाइल कैप के जस्ट ऊपर आप देखिएगा इसे, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं पियर बोलते हैं। आप समझिएगा इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मिटाते हैं थोड़ा सा, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं पियर बोलते हैं। ये सब जो दिख रहा है इसे हम लोग पियर बोलते हैं, और पियर से जस्ट ऊपर आप देखिएगा तो इसे हम लोग पियर कैप बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पियर है और पियर के ऊपर ये जो दिख रहा होगा इसे हम लोग पियर कैप बोलते हैं। और इसके ऊपर से क्या रखा जाता है, ब्रिज इस तरीके से रखा जाता है, यानी कि इसे चार कंडीशन में बनाया जाता है ताकि मजबूती रहे। आप समझिएगा इस तरीके से हुआ पाइल, पाइल कैप, पिलर, पियर और पियर कैप, इस तरीके से इसकी क्या होती है बनावट होती है। तो भाई आप स्कूल में देखिएगा यहाँ पर आपको इस तरीके से पोल दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इस तरीके से यहाँ तक आपको दिखेंगे, ये पुल हो गया, इस तरीके से पुल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन देखिएगा, इन दोनों पोल के बीच की दूरी बहुत ही कम है, फिर इन दोनों के इधर में जो भी है उसके बीच की दूरी बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर जो पुल है और इधर में जो भी पाया होगा उसके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है। अब समझिए कि ऐसा ये बीच की दूरी को ज़्यादा इधर क्यों किया गया, तो आप समझिए पानी जो होता है समुद्र होता है उसमें आप देखिएगा समुद्री जहाज़ वगैरह चलते हैं, तो ऐसे में जहाज़ अगर इधर से जाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंडी वगैरह टूट सकता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा पाया की संख्या जो ये पहले पिलर जो होता है पिलर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है ताकि क्या होगा कि यहाँ से पानी वाले जहाज़ वगैरह इस रास्ते जा सके। जब हम पिलर के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम वायर का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हम क्या करते हैं, इस तरीके से वायर का प्रयोग करते हैं। क्यों वायर का प्रयोग करते हैं आप समझिए, जैसे कि एक पिलर यहाँ पे है, एक पिलर यहाँ पे है, और उसके ऊपर से अगर हम ब्रिज गुजारे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर कितना भी गाड़ी वगैरह चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक पिलर यहाँ पे और एक पिलर काफ़ी दूर है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर से अगर हम ब्रिज रखें और ऊपर से कोई गाड़ियाँ वगैरह होगा तो ये बीच से क्या होगा टूट वगैरह सकता है या फिर धंस सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ पे हम इस तरीके से इसके ऊपर से एक और उठा देते हैं और इसके ऊपर पिलर एक और उठा देते हैं और यहाँ से इस तरीके से हम लोग बैर लगा देते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं बैर लगा देते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर भी वही कंडीशंस किया गया, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरीके से क्या कर दिया गया, ऐसे 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 इस तरीके से बैर लगा दिया ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा वही कंडीशन यहाँ पर भी था, ये जो पुल टूटा इसमें भी वायर लगाया हुआ था ताकि बीच से क्या होगा कि कोई पानी वाला जहाज़ वगैरह क्या होगा यानी कि ये निकल जाए।